dear students in this module we are going to discuss a very interesting type of crime which is white collar crime white collar crime refers to non-violent crimes committed by individuals in position of power or authority Ye crimes a um, affluent people commit cartage अथॉरिटेटिव पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं हायर पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं गवर्नमेंट uh, के ऐसे ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर में होते हैं जहाँ पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अमूमन फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इंक्लूड फ्रॉड फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट एंड इनसाइडर ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग से मुराद ये है कि एस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे सीक्रेट्स या ऐसे राज जिनको जो है एक्सपोज करना या पब्लिकली जिनके हवाले से इस मैसेज को किसी और को कन्वे करना डेंजरस हो सकता है वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं इसके बदले में उनको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं जैसे कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनको फॉरेन ट्रिप्स प्रोवाइड किए ऑफर किए जाते हैं और इसके साथ साथ और बहुत सी लूक्रेटिव इंसेंटिव उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्लास ऑफ पीपल कमिट करती है और अनफॉर्चुनेटली ये डिटेक्टेबल भी नहीं होती है बहुत कम जो है डिटेक्टेबल होते हैं इस तरह के क्राइम्स और इस, इसके साथ साथ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी बहुत से लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से वाइट कॉलर क्राइम कमिट करने वाले लोग जो हैं वो बहुत आसानी से इस सिस्टम को डिसीव करते हुए चीट करते हुए बच जाते हैं इन पाकिस्तान वाइट कॉलर क्राइम इज़ ऑफ्टन एसोसिएट विद करप्शन इन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल इन टू थाउजेंड सेवेंटीन पानामा पेपर स्कैंडल विच इम्प्लीकेटड सेवरल हाई रैंकड पाकिस्तानी पॉलिटिशनस एंड बिजनेस पीपल इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन द कंट्री जिसमें मिलियन एंड बिलियंज़ ऑफ डॉलर्स की पोटेंशल करपश्शन इन्वॉल्व हैं और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके साथ भी इस तरह के क्राइम्स को एसोसिएट किया जाता है बट अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी जो है इसके हवाले से Uh, जो वाइट कॉलर क्राइम है पर्टिकुलरली उसके हवाले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत कम ऐसे हुआ है कि लोगों को सज़ा मिली हो या इसके हवाले से एक डिटेरेंस क्रिएट किया जा सके ताकि फ्यूचर के अंदर इसकी पॉसिबिलिटीज को कम से कम किया जाए तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए किसी भी जस्टिस सिस्टम के अंदर डिटेरेंस का एज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल होना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे वाइट कॉलर क्राइम की सूरत में जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि किसी भी वाइट कॉलर क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जा सके उसके हवाले से ये बहुत ही ज़रूरी है कि माशरा एक स्ट्रांग मैकनिज़म ऑफ डिटेरेंस प्रोड्यूस करें